हेलो फ्रेंड्स, आज हम आने जा रहे हैं क्लॉक की। आज हम सबसे पहले क्लॉक के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे कि कैसे घड़ी चलती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या मिनट एंड होता है, क्या आवर एंड होता है। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है दो चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत बेसिकली पता होना चाहिए, एक होता है आवर एंड और एक होता है मिनट। ठीक है, आवर एंड और मिनट। ठीक है, देखो ये जो आपको दिख रहा है, पहले से पहले आपको पता चाहिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे क्या आवर है, 12 घंटे। ठीक है, तो ये क्या है, आवर स्पेसिस। तो 12 घंटे को हम डिवाइड करते हैं 12 पार्ट्स में। ठीक है, और हर एक आवर स्पेस को हमने फिर किसमें डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जब 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसको हम बोलते हैं मिनट स्पेस। क्या बोलते हैं जी इसको, मिनट स्पेस को। ठीक है, तो देखो डायल ऑफ द क्लॉक के जो सर्कल की, ठीक है, याद रखना 12 घंटे हैं, इसको आवर्स बोलते हैं, और फिर इन 12 घंटों को हमने 5-5 क्या क्या पार्ट्स में डिवाइड किया है, उससे हम क्या बोलते हैं, मिनट स्पेस बोलते हैं। ठीक है जी, याद रख, समझ आ गया। ठीक है, अब देखो क्लॉक के दो हैंड होते हैं, जो स्मॉलर वन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर एंड। ठीक है, जो ये वाला आपको ये दिख रहा है स्मॉलर वन, ठीक है, जो लार्जर वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। ठीक है, समझ आ गया आपके पास। ठीक है, तो जो क्लॉक है उसके दो हैंड होते हैं, एक छोटे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड को क्या बोलते हैं, आवर, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मिनट। ठीक है, अब देखो जो छोटे वाला है, मैं घड़ी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप जो छोटे वाला है, समझो ऐसे है। ठीक है, तो छोटे वाला कितना होगा, धीरे 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 सर्किल, कहाँ सर्किल है, यहाँ पे आएगा। इतनी देर में क्या होता है, ये वाली घड़ी थोड़ा सा आगे आ जाती है, ये वाली जो सुई है वो आगे आ जाती है। ठीक है, फिर ये थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा, तो पूरी जब तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे, ये पूरी सुई क्या होती है, एक चक्कर काट लेती है। ऐसे होता है ना, देखो ये घड़ी है हमारे पास, ये हम निकालते हैं टाइम 12, 6, 3 और 9। समझो इसमें बजे 3। ठीक है, ये छोटी है बड़ी, 3 बजे। ठीक है, 3 बजे रखे हैं, तो अब देखो क्या हुआ, जब ये यहाँ पे जाएगी, 4 पे जाएगी, यहाँ तक जाने में ये सुई पूरा का पूरा कितना लगा लेगी, पूरा 1 घंटा का कवर कर लेगी। तो इन 60 मिनट्स जो मिनट हैंड है वो कितने गेन करती है, 55 मिनट गेन करती है ऑन द आवर एंड। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो 60 मिनट में जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है, वो कितने गेन करती है, 55 मिनट गेन करती है आवर एंड की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, हर 1 घंटे में दोनों घड़ियाँ एक ना एक बार तो कंसल्ट होती है। बताइए जी ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ये घड़ी है मेरे पास, मान लो 3 बजे हैं। ठीक है, तो जब ये आगे जाएगी तो एक बार तो कंसल्ट करेगी, एक के ऊपर एक बार सुई कोई ना कोई तो एक बार ना 1 घंटे में आएगी। तो हर 1 घंटे में एक ना एक बार तो सुई आप एक दूसरे के ऊपर आती है। ठीक है, जब जो सुई होती है, ठीक है, जब वो सेम स्ट्रेट लाइन में होती है, या फिर उनको कोइंसिडेंट बोलते हैं या अपोजिट बोलते हैं। मतलब घड़ी अगर ऐसे होगी तो उसको हम कोइंसिडेंट बोलेंगे या अपोजिट बोलेंगे, या फिर ऐसे, ठीक है, आमने सामने। ठीक है जी, जब दो सुई राइट एंगल बनाती हैं तो कितनी दूर होती है, 15 मिनट का स्पेस करती हैं। ठीक है, 3 बजे या 12, तो जब ये राइट एंगल 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तो कितने कर रही हैं, ये 5, 10, 15, तो 15 मिनट का स्पेस ये ले रही है। ठीक है, और जब ये अपोजिट होती हैं, समझो यहाँ पर है ये वाली अपोजिट है, यहाँ बना लेता हूँ मैं। ठीक है, 12, 3, 6 और 9, तो जब ये सुई यहाँ पर है आपस में है तो कितने का स्पेस बन गई, 30 मिनट का स्पेस ये आपस में देंगे। ठीक है, तो समझ आ गया, जब राइट एंगल होंगी तो 15 मिनट, और जब अपोजिट होंगी तो 30 मिनट का स्पेस ये देंगी आपस में। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हम तो फॉर्मूले करेंगे इसी समझाने के लिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले उस पर बात करूँगा। ठीक है, तो जो आवर आपके पास 12 घंटे में वो कितने डिग्री एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। और वैसे मिनट हैंड है 60 मिनट में कितना बनाती है, 360 डिग्री का। मतलब 1 मिनट में कितना होगा, अगर 60 मिनट में 360 है तो 1 मिनट में कितना होगा, 360/60, 6 डिग्री का डिवीजन बनाती है। ठीक है, तो याद रखना एंगल कितना बनाती है, 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। ठीक है, तो याद रखना इन 1 मिनट जो आवर एंड है वो कितना मूव करती है, 1/2 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, 1/2 डिग्री की मूव करेगी। कैसे, समझो 12 घंटे में कितना है, 360, तो 1 घंटे में कितना हो गया,
ठीक है, 1 घंटे में कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपके पास 1 मिनट में 6 डिग्री। तो आप खुद देखो कि 30 डिग्री है बना रहा है 1 घंटे में, तो एक और 1 मिनट में एंड की तमाम होगी सिर्फ 2 डिग्री, ठीक है, बस आपको याद रखना है। वैसे इन 1 मिनट द मिनट हैंड गेंस 5/2 डिग्री मोर देन आवर एंड, इसका हम वैसे कहीं यूज करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्म में यूज करूंगा ये सिर्फ समझाने के लिए, ना मैं इसका यूज करूंगा ना मैं इसका यूज करूंगा ना मैं इसका यूज करूंगा, इनमें से किसी के कंसेप्ट का मैं यूज नहीं करने वाला आज, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट्स पे आऊंगा, हार्डली 8-9 शॉर्टकट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आइए पहला शॉर्टकट पकड़ते हैं, ठीक है, पहला शॉर्टकट क्या है लिखिएगा अच्छे से, साफ साफ लिखिएगा अपनी कॉपी पे, हम फिर क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है, बिटवीन लिखेंगे आप, बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस 1 डिग्री ऑफ क्लॉक द टू हैंड्स विल बी टूगेदर एट 5x 12/11 मिनट्स पास्ट एक्स। ये फॉर्मूला आपके पास, मतलब क्या बोला मैंने, मान लो मैंने, मेरे पास क्वेश्चन है कि कितने बजे 3 और 4 बिटवीन 3 और 4 द टू हैंड्स विल बी टूगेदर। हिंदी समझ आई इसकी, क्या बोला इसे, 3 और 4 के बीच में दोनों घड़ियां आपस में कब एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। अब देखो ये बजे 3 और यहां है 4, ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में, ठीक है, दोनों घड़ियां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है जी, तो आइए चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन, करते हैं इस फॉर्मूले से करेंगे, हमें कुछ नहीं बनाना, नॉर्मली जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 और 4 के बीच दोनों घड़ियां आपस में कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, 5 × x क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, ठीक है, × 12/11 तो कितना हो गया 5 × 15 15 × 12/11 180/11 इसको तोड़ देते हैं हम, तो 11, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 16 और 4, ठीक है, तो ये आंसर आ गया, इतने इसमें ये होगा। तो बस आपका फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी बिटवीन पूछा जाए और दो हैंड्स आपस में इकट्ठे होंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, और एक्स क्या होगा इसमें जो सबसे पहले रकम होगी, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला करें, चलिए अगला फॉर्मूला को करते हैं। अब यही क्वेश्चन में अगर मैं ट्विस्ट कर देता हूं, मान लो बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस 1 ऑफ क्लॉक द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी ये, तो कब बनाएंगे ये फॉर्मूला लिख लो, 5x + -15 × 12/11, ठीक है, 12/11, ये 12/11 कहाँ से आता है मैं बताता हूँ, हमने बोला था, हमने स्टार्टिंग में किया था, देखो हमने स्टार्टिंग में एक चीज की थी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जी 60 मिनट में कितने गेन करते हैं, 55 मिनट गेन करते हैं, ठीक है, 60 मिनट में कितने करते हैं, इतना करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 60/55 12/11, हमने सीधे शॉर्टकट बना लिया इसका, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, एक बार हम प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस लेके चलेंगे, ठीक है, बस आप क्वेश्चन करते हैं, बिटवीन 3 और 4 3 और 4 के बीच में दोनों जो हैंड होंगी वो राइट एंगल पे कब होंगी,
तो आओ फॉर्मूला लिखते हैं, 5x इंटू 15 और एक बार 5 × 3 माइनस 15 इंटू 12/11 कितना हो गया 30। ठीक है जी, और ये कितना हो गया आपके पास 0, तो ये आंसर आ गया। ये भी आ सकता है, ये भी, दोनों आंसर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है जी, दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास। आइए तीसरे फॉर्मूला पकड़ते हैं। अगले में क्या आ गया, देखो अभी तक हमने कौन कौन से किए, एक हमने किया जब दोनों क्या होंगे कोइंसाइड होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक बार हमने किया 90 डिग्री, अब हमने करेंगे एक बार यहाँ और अब स्ट्रेट होगी। ठीक है, जब भी स्ट्रेट होगी दो केस बन जाएंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, बिटवीन x एंड x प्लस 1 ओ क्लॉक द टू हैंड्स आर इन सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी सेम स्ट्रेट लाइन में होंगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दो केसेस बनेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा आपके पास जो हमने अभी इसके लिए किया, राइट एंगल के लिए किया, केस वन, और केस टू में क्या बनेगा जो हमने फर्स्ट वाले के लिए किया। यार देखो दो फॉर्मूले याद करने हैं आप लोगों को। ठीक है जी, तो बस ये आ गया। अब ये वाला रूल, ये वाला केस कब लगेगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, बस याद रखना है। और ये कब लगेगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 6। ठीक है, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन से करते हैं ये कैसे पता चलेगा 6 से बड़ा है 6 से कम है, तो आओगे क्वेश्चन पकड़ते हैं। मान लो फाइंड इन व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 ओ क्लॉक विल हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया। अब देखो घड़ी बनाते हैं, पहले 12, 3, 6 और 9, ये बच गया हमारे पास 7। तो देखो 7 वाली कब होगी स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पर होगी, तो कितने गैप है 8, 10, 11, 12 और 1, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 30 मिनट का स्पेस है। ठीक है जी, बार के लेते हैं, देखो 5, 10, 15, 20, 25 सॉरी ये नहीं गिनेंगे हम, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन में आ गया ना, तो कितने स्पेसेस का पार्ट है, कितना स्पेस मिल रहा है 5, 10, 15, 20, 25, तो 30 में से माइनस करके देख लो इसको कितना आ गया 5 डिग्री, तो 5 स्पेसेस का है, तो इसका मतलब ये क्या है 5 से कम है छोटी वैल्यू है, तो हम सेकंड केस लगा देंगे, बस सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इस छोटे से इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये कर देना है। ठीक है, आ जाएगा। देखो देर आ जाएगा आपको या नहीं आएगा,
ठीक है आ जाना चाहिए। क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है दोबारा समझा दूं मैं आपको। चलो दोबारा समझाता हूँ एक बड़ी बड़ी चीज। ठीक है जब घड़ी क्या होंगी आपस में सेम कोइंसाइड करेंगी। देखो फॉर्मूला लिखना पहले। ठीक है तो हम दो बनाएंगे, मैं इसमें केस दो बनते हैं, दो केस बना लो। इस केस को मैं थोड़ा डिवाइड करके बता देता हूँ। ठीक है व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कितने मिनट का स्पेस है बीच में, 30 मिनट का पार्ट स्पेस है। ठीक है तो फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, 5x केस टू मैं तोड़ के दिया इसको। ठीक है व्हेन दे कम टुगेदर, ठीक है तो कितने, दैट इज कितने 0 डिग्री का स्पेस होगा जब वो इकट्ठे आ जाएंगे, कोइंसाइड पर जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बस। ठीक है अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व, तब ये करेंगे फॉर्मूला पूरा सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी समझ आ गया। फिर अगला, चलो अगला फॉर्मूला पकड़ते हैं। लिखो जी बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस वन द टू हैंड्स विल बी टी मिनट्स अपार्ट एट, देखो फॉर्मूला एक ही है बस, फॉर्मूला याद आपको अच्छे से याद करना है, टी है। ठीक है क्या बोला इसने, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एट व्हाट टाइम 4 and 5 आर द हैंड्स 2 मिनट स्पेस अपार्ट। समझ आया क्वेश्चन, मैंने बोला 4 और 5 के बीच में बताओ इन दोनों में जो आपस का डिस्टेंस है 2 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है 4 और 5 के बीच में 2 मिनट का डिस्टेंस होना चाहिए, तो बस फॉर्मूला लगा दो 5 × 4 ± 2 12/11 5 × 4 = 20 प्लस प्लस कर लो 22 × 12/11 और एक बार कितना हो गया 5 × 4 = 20 में से हुए 18 × 12। ठीक है जी इनको सॉल्व करो। ठीक है जी समझ आ गया वाला। ठीक है अब इनको हम डिटेलिंग में करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम डिटेल में एक एक चीज करेंगे। ठीक है सबको डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। ठीक है अच्छे से करेंगे, टेंशन ना लो। अगला फॉर्मूला लिखो टू फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ठीक है अगर हमें एंगल निकालना है बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक, मान लो ये घड़ी है मेरे पास, मुझे निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है तो सिंपल सा फॉर्मूला है 30 × डिफरेंस ऑफ आवर्स एंड मिनट्स अपॉन 5 प्लस मिनट डिवाइड बाय 2। ठीक है ये कब होगा, जब एंगल जो होगा आपके पास वो क्या होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर एंगल आपके पास ग्रेटर देन होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम फॉर्मूला यही होगा
एंगल क्या होना चाहिए आपके पास? अब देखो यहाँ 90 डिग्री से एंगल ग्रेटर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, तो हम नॉर्मल ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा होता तो हम क्या करते, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। दो फॉर्मूले बन गए हमारे पास, जैसे कि कॉपी पे लिख लीजिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काम आएंगे, ठीक है जी। करें क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पकड़ते हैं अभी हम, ठीक है जी। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और उसके बाद हम शुरू करते हैं, बस सब क्वेश्चन, ठीक है, चलिए।